नमस्कार दोस्तों। तो ये यूपीपीसीएस का जो हम लोग घटना चक्र का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ये सेट नंबर 5 है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एसडीजी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य और संबंधित है, एसडीजी नंबर 10 की बात कर रहा है। तो ये असमानताओं में कमी के लिए है, और 11 किस लिए है? सतत शहर और समुदाय के लिए। और 12 किस लिए है? ये जो है उत्तरदायी उपभोग उत्पादन के लिए है। और वहीं 16 नंबर की बात करते हैं तो शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान की बात करते हैं। तो आप देखिए इसमें सी सुमेलित है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, एसडीजी 1 से लेकर 17 तक कुछ इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है हमने पांचों में डिस्कशन कर लिया है तो उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी जो है भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे राइजोम कहते हैं। राइजोम का आप हमेशा नाम सुनते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रकंद, प्रकंद, प्रकंद भी लिख के आ जाता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। या प्रायः क्या होता है कि अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब राइजोम के उदाहरण हैं। अदरक भी लिख दे रहा हूँ यहीं पर, हल्दी हो गया यहाँ, अदरक भी, जो गांठ वाले होते हैं ना वही है राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मन्नार की खाड़ी में तटीय या सीमांत प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो ये सही है, मन्नार की खाड़ी। लक्षद्वीप में एटॉल प्रवाह प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखिए दोनों सही है, मन्नार की खाड़ी हो गई, कच्छ की खाड़ी हो गई, अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ सब जो है तटीय या कहें सीमांत प्रकार की प्रवाल वृत्तियां पाई जाती हैं। वहीं लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल वृत्तियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति है ये, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके है, तो ये जो है यहाँ पर जो है पूरा है। निम्नलिखित में से किस शहर में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जा रही है? तो लखनऊ में विकसित की जा रही है ये, नादरगंज में, नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र वहां पर विकसित की जा रही है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट है, तो नोडल एजेंसी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है, और कह रहा कौन सा दो स्थानों के मध्य शुरू की गई है? तो बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य, मतलब बटेश्वर से गोवर्धन के मध्य का मतलब यह हुआ आपका आगरा, आगरा से मथुरा, ये शुरू किया गया है हेलीकॉप्टर सेवा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा, तथा राजस एरो स्पेस सॉरी एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य ये समझौता हुआ था। चूंकि पहली है तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी शुरू ही किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों के लिए बृहद पोषक तत्व तो नहीं है? कह रहा है तो आयरन जो है बृहद पोषक तत्व तो नहीं है, सूक्ष्म है ये, ठीक है, ये सूक्ष्म है, बाकी सब कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब बृहद है। ऑक्सीजन हो जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बृहद पोषक तत्व तो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, अपचयन होता है, ठीक है, रिडक्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का नाम सुने होंगे, क्लास 9th का एनसीईआरटी में है ये, तो रिडक्शन बोलते हैं रिडक्शन, और उपचयन का बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का रिडक्शन होता है, तो ये सही है, और वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O का उपचयन होता है, ये भी सही हो जाता है आपका, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। फार्मूला याद रखिएगा मैं बताती हूँ, यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ, चलिए यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूँ, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस O2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको बैलेंस करिएगा दोनों को, तो 6 CO2 हो जाएगा और 12 H2O हो जाएगा। ये सब NCERT के क्लास 9th में है, ये मत सोचिए कि कहीं अलग से आता है, ये 10th तक का NCERT सिलेबस में मेंशन भी है। उसके बाद जो है 6 CO2 है, फिर यहाँ पर जो है 6 H2O, ये बैलेंस किया जाता है। ये हो गया, H2O के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा CO2 के प्रेजेंस में, CO2 में होगा, तो यहाँ पर दोनों सही थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं और असेसन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड के लिए उल्टा होता है, तो आपको पता है कि पिरामिड जो भी बनता है इसका पानी का जल में, जल का पिरामिड जो भी होगा उल्टा ही होगा हमेशा। यहाँ जीवभार जो होते हैं, यहाँ पर उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक, उनकी संख्या अधिक होती है और जीवभार कम होते हैं, तो ये कम होते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, तो इसलिए होता है।
तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम होती है, तो ये तो गलत हो गया। पहले यहीं पर आप देखेंगे जब उल्टा बनने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं ये ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर आर गलत हो जाता है, ए सही है। अब स्थल मंडल पे जो बनेगा पिरामिड वो सीधा बनेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि B12 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रति अरक्तता कारक होता है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक है, विटामिन डी की बात करते हैं तो बंधता रोधी कारक जो दिया है वो गलत हो जाता है, ये विटामिन डी की बात हो रही है, यहाँ पर विटामिन ई होता तो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, बंधता रोधी हो जाता है। लेकिन डी की बात जब हम लोग कर ही रहे हैं तो कैल्सीफेरॉल का नाम सुने होंगे आप, कैल्सीफेरॉल ये रिकेट्स जो हो जाता है बच्चों में, अवयस्कों में भी ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, हड्डियों का रोग हो जाता है ये सब, तो वो है। विटामिन के की बात करते हैं तो प्रति रक्त स्रावी कारक है, ये जो क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग, वो विटामिन के का कारण जब रहता है उसमें तो वही रोका रहता है, ब्लड जमा देता है बाहर निकलते ही। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो टोटल 10 हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र बायो जियोग्राफिकल जोन बोलते हैं जिसे। अब भारत में जो है 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, ये 15 जो लिखा है कृषि जलवायु प्रदेश है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है, तो मध्य प्रदेश, इनके नाम पे चले जाइएगा, मध्य प्रदेश चले जाइएगा। और कौन शुरू किया है, ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने शुरू किया है, उद्देश्य इसको याद रखिएगा। आपको पता श्री अन्न अगर जुड़ गया तो ये बजट में जिक्र आया था, पिछले बजट में जिक्र आया था, तो ये जो है मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देना है उद्देश्य, ये मोटे अनाज को बढ़ावा देना, यहाँ लिख दिया हमें। श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो जो है 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, प्रति किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्री अन्न मतलब वही मोटे अनाज से है संबंधित, ये मत सोचिएगा कोई अलग सा खेती हो रहा है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई, तो ये बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा क्योंकि आ जाएगा कूट भाषा में मिलाने के लिए। भारत में कुल जो है 35 हाथी रिजर्व है, तो ये गलत हो जाता है, 35 नहीं है, यहाँ पर 33 है, टोटल जो है 33 है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो केवल यहाँ पर पहला सही है। यदि संबंध 2023 तक के है, अब बढ़ जाए उसके बाद आप 4 साल बाद देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, दिसंबर 2023 तक का। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला वर्ग की विजेता एलेना रिबाकिना है, तो रिबाकिना नाम है इनका, एलेना रिबाकिना का संबंध किस देश से है, तो कजाकिस्तान से है, ये महिला वर्ग की बात हो रही है। अब इसी में हम बता दें कि ये तो हो गए एलेना रिबाकिना नाम है, कजाकिस्तान से है, ये तो विजेता हो गई, यहाँ पर देखिए विजेता लिखा है, उप विजेता कौन था, उप विजेता आप अक्सर नाम सुने होंगे आरेना शवालेंका का नाम सुने होंगे, तो ये है उप विजेता, कहाँ की है ये, बेलारूस की। और यही पुरुष वर्ग में बात कर लेते हैं, पुरुष वर्ग में बात करें अगर हम विजेता जो है, विजेता की बात कर ले रहे हैं पहले, तो ग्रिगोर दिमित्री ट्रो नाम है इनका, कहाँ के हैं ये, बुल्गारिया के, बुल्गारिया के। वहीं उप विजेता की बात करते हैं, उप विजेता की बात करते हैं, हो सकता है पेन का साउंड जा रहा हो तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, होलकर रून नाम है, कहाँ के हैं, डेनमार्क के, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सब सीधे क्वेश्चन पूछते हैं और लगभग पता नहीं होता तो गलत ही हो जाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट तो कोई है नहीं। तो कजाकिस्तान के हैं कौन, एलेना रिबाकिना नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, आपका पादप हार्मोन कुछ और भी है उसका हम नाम लिख दे रहे हैं, ऑक्सिन का नाम सुने होंगे, ऑक्सिन का नाम सुने होंगे आप, जिब्रेलिन का नाम सुने होंगे, जिब्रेलिन रेलिन, और वहीं साइटोकाइनिन का नाम सुनी लिए हैं, एक और सुने होंगे आप एब्स, एब्सिसिक अम्ल, और एथिलीन जो है ये भी पादप का हार्मोन है, इंसुलिन तो ऐसे नहीं है, एस्ट्रोजन है ही नहीं, थायरॉक्सिन ये सब मानव वाले हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं, तो CH3NCO नाम है, इसी को एक वो बोलते हैं MIC, शॉर्ट में बोलते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यही जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को, यही रिसाव हुआ था इसी की वजह से, CH3NCO याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, नंदा झील जो है गोवा में है आपका, उसके बाद जो है पाला वेटलैंड जो है इसमें मिजोरम में है, और कांजली झील जो यहाँ दिया गया है वो गलत हो जाता है, उत्तराखंड यहाँ देखकर पंजाब में है, पंजाब में, तो ये ध्यान में रखिएगा पंजाब में है।
भला अभी बहुत सही नहीं है। ये रामसर स्थल है कांजली जी, रामसर स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो ये आईएस में क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीटेड है, तो फास्फोरस चक्र जो है ये चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, फास्फोरस मुख्यतः, तो फास्फेट खनिज के रूप में होता है, इसको याद रखिएगा। जल चक्र जल वाला है। आप देखिए ये सब जितने चक्र हैं उसमें फास्फोरस हो सकता है, आप अलग ही लगा दें, लेकिन इसको चट्टानों से संबंधित है। ये यहाँ पर बहुत आसान तरीके से दे दिया गया है, जो कि ऐसा था नहीं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस कृति को प्रदान किया गया? तो प्रॉफिट शाम को मिला है, पॉल लिंच की बुक है ये, पॉल लिंच नाम है इनका, तो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी उपन्यास है, उपन्यास है ये। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के उपन्यास वेस्टर्न लेन को भी इस वर्ष जो है बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की बात कर रहे हैं, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी की बात हो रही है, तो ये सही है सहारनपुर के लिए, और सुल्तानपुर मूज उत्पादन के लिए है। मैनपुरी का नाम जो लौह कला कर दिया है ये गलत हो जाता है, कला तो लास्ट में जोड़ लीजिएगा, लेकिन तारकसी कला है वो, और लौह कला की जो बात हमने किया वो जो है शामली का है, शामली भी वेस्ट यूपी में ही है। संभल की बात करते हैं तो सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो धान का दे रहा है, बीमारी दिया है, फसल दिया है और बीमारी दिया है। आइए धान का दे रहा है हरित बाल, जो कि गलत है। हरित बाल जो है ये बाजरे का रोग है, बाजरे का रोग है, धान खैरा। बाजरा की बात करते हैं अर्गट यहाँ है, मटर की बात करते हैं तो बुकनी है, पाउडरी मिल्ड्यूज होता है, चना की बात करें तो उल्टा है, बीट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है यहाँ पर, देखा जाएगा अवरोही क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद तो उसके उससे कम उससे कम की बात होगी। तो सबसे ज्यादा जो है बहराइच का है, बहराइच में जो है 54.44% है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद श्रावस्ती का आता है कितना, 49.62%, फिर बलरामपुर का नाम आएगा 41.55%, और फिर बदायूं का नाम आपका आएगा 40.37%, तो आप सुमेलित कर दीजिए 3124 आ जाएगा। अक्टूबर 2023 में किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका में सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश नाम है, ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। अशोक गाडगिल को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल तथा सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जामिनर का पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पुट अप कर दे, हमें अपनी तरफ से सारी जानकारियां रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कानपुर नगर की बात हो रही है, कानपुर है, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज है, कौशाम्बी मंझनपुर है, अमेठी का ये उरई दे दिए हैं जो कि गलत हो जाता है, आपको पता होगा जालौन का है, उरई जालौन का है, और अमेठी का तब क्या है, गौरीगंज है, गौरीगंज मुख्यालय का नाम याद रखिएगा, कुछ का तो उसी के नाम पर है लेकिन कुछ अलग है, गौरीगंज है ये, मंझनपुर कौशाम्बी का है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त रानी पूर्व वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है, ये करंट का न्यूज भी है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व दोनों है। कुल इसका जो है 230 वर्ग 230.3 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और 2022 में अक्टूबर के मंथ में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों की द्वितीय स्थान पर है, खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, प्रथम पे है, यहाँ जो द्वितीय लिखे हैं ये गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश का चावल के उत्पादन में देश में नहीं, चावल अच्छा आगे पढ़ते हैं, प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यही गलतियां करते हैं कि हाँ चावल देखते हैं, अच्छा द्वितीय स्थान है इसका, चावल तो फर्स्ट पे आपका वेस्ट बंगाल है, तो यही सोच के हम लोग मतलब अगर एक बार में ही करते तो गलत कर देते हैं, और गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत सोचिए कि जो है पहली बार आ रहा है ये सामने, नहीं स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया है, बस क्वेश्चन को लेंथी बनाया जाता है अब, और कुछ नहीं है, फैक्ट वही है, प्रथम स्थान पहले भी था और अभी भी है, चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में पहले भी हो रहा है पहले पे, और गेहूं का उत्पादन फर्स्ट यूपी में हो रहा है, बस वही है कि
जो कूट भाषा में पहले देते ना इसको, तो इसी को दो सेंटेंस को दो मतलब उसको मिला के एक कर दिया है, क्वेश्चन वही है ठीक है, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया बस, कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन देख के डर जाइए, और आपको डरना नहीं है, आप क्वेश्चन को टैकल करना सीखिए, अच्छे से सीखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम वहीं यही पर ही बताते चले हम आपको, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम प्रथम स्थान पे है, जैसे आपको गन्ना आ जाता है, आलू आ जाता है, गेहूं आ जाता है, ये सब अगर आएगा आप तो तुरंत कर लीजिएगा। मसूर दाल का नाम सुने होंगे, जो समग्र बागवानी की खेती होती है, बागवानी की जाती है, बागवानी किसी होती है उसमें है, सब्जी उत्पादन में फर्स्ट पे है, आंवला में है, कुछ कुछ जो लिख दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, अमरूद में है, आम में है, दूध में है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप, फर्स्ट स्थान पे है यूपी। और ये ऐसी बात नहीं हो रही है, 2021-22 के अनुसार बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दिया है, लेखक दिया है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत का बुक है ये, वाजपेयी द एसेंस ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 to 1977, अभिषेक चौधरी का है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड AK सैलजा का है, APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई, ये संजीव सान्याल का बुक नहीं है ये ठीक है, नजीमा मरकयार तथा डॉक्टर YS राजन द्वारा लिखी गई ये बुक है, इसी का विमोचन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था जुलाई में, यही इनका नाम लिख दे रहा हूँ जो जिसने बुक लिखा है, नजीमा नजीमा लिख दे रहा हूँ और राजन, दो लोग का नाम लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप आएगा तो कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो द्वितीय अवस्था को जो है कहा जाता है, समय के साथ शहरीकरण के स्तर में परिवर्तन को शहरीकरण वक्र भी कहा जाता है या नगरीकरण भी कहा जाता है, जो विकसित और विकासशील देशों के अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शहरीकरण की प्रगति के मॉडल है, और ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे जे आकार का और यस आकार का। यस आकार के संबंध में नॉर्थम का नाम आता है, इन्होंने 1979 में तीन स्तरीय सिद्धांत दिया था, जो आरंभिक अवस्था बोलते हैं, त्वरित अवस्था बोलते हैं, अंतिम अवस्था बोलते हैं, इसीलिए त्वरित अवस्था नगरीकरण की जो है द्वितीय अवस्था है, तीन अवस्था है, प्रथमा प्रथम नहीं है इसमें, आरंभिक है, आरंभिक आरंभिक अवस्था हो जाता है इसमें, ये सब यस आकार वाले में है, यस आकार में, ये भी ध्यान में रखिएगा, आरंभिक हो जाता है, त्वरित हो जाता है, त्वरित हो जाएगा अवस्था है ये, और अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था यस और जे और यस आकार के होते हैं सारीकरण, ये वैश्विक स्तर को वो करते हैं एनालिसिस। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो जनवरी 22 को 1947 में संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो किसने पारित किया था ये भी जानते रहिए, अब कब पारित किया था ये जरूर जानिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, और यहीं पर ही हम लिख दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार के साथ उभयनिष्ठ है, नेपाल की सीमा की बात हो रही है, भूटान की सीमा सिक्किम पश्चिम बंगाल और असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ उभयनिष्ठ है, नेपाल देखिए इसमें जो है कह रहा कौन सा सही है, देखिए और भी क्या दिया है इसमें, इसमें बस यही हमें बताना है कि कौन सा सही है और कुछ नहीं। देखिए आप मध्य प्रदेश जो यहाँ देख रहे हैं ना ये गलत हो जाता है, मध्य प्रदेश का स्थान जब भी आएगा तो गलत, बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार से तो लग जाता है, भूटान की सीमा जो है सिक्किम पश्चिम बंगाल असम से तो लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है, तो दोनों सही है यहाँ पर, सिक्किम पश्चिम बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश के साथ ये करता है, नेपाल जो है आपका उत्तराखंड से करता है, उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा स्पर्श करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दूसरा केवल सही था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो रचना दोआब रावी तथा चिनाब, यहां से आर उठा लीजिएगा, यहां से ना उठा लीजिएगा, चिनाब का ना, तो रावी और चिनाब के मध्य है, बाकी और के भी बात कर लेते हैं, चाज या छाज दोआब का बात होता है, तो चिनाब और झेलम है, ये ब्यास जो देता है ना, झा उठाइएगा यहाँ से, झेलम कर दीजिएगा, झेलम और चिनाब का तो है ही चा। अब देखिए बारी दोआब की बात करते हैं, तो यहाँ से या उठाइए और ब्यास कर लीजिए, ब्यास कर लीजिएगा, और रावी है, रा उठाइएगा रावी है, अब सही सुमिलित हो गया। उसके बाद बिष्ट दो आप की बात जब होगी तो यहाँ से बा उठाइए, ब्यास कर लीजिए, और उसके बाद जो है ब्यास और सतलुज, यहाँ से आधा सा उठा लीजिएगा और सतलुज कर लीजिएगा, सतलुज कर लीजिएगा, ये मध्य है। ये सब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी हो पाता है,
अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा संभावना होता है कि अगर सॉल्व किए तो गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या तो फिर आप थोड़ा सा मैप अच्छे से समझते हो इसलिए, वर्ष 2021-22 में भारत के व्यापार आयात और निर्यात में सबसे बड़ा सहभागीदारी जो सहभागीदार निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है? तो 2021-22 के अनुसार भारत के व्यापार की बात हो रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की, तो एशिया जो है सहभागीदार है क्षेत्र। जो आंकड़े आए हैं उसमें बात करें तो भारत के सकल व्यापार में सबसे बड़ा सहभागीदार जो है एशिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की भारत के व्यापार आयात निर्यात में सहभागिता है। इसमें एशिया के साथ अगर हम बात करें 21-22 के अनुसार, तो इम्पोर्ट जो है, सिर्फ इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं अभी, इम्पोर्ट हम ये आई लिख दे रहे हैं, और 63.8% कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट भी बता दें आपको 44.9% है। तो ये आप समझते रहिए 21-22 के अनुसार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन दिए गए हैं भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, तो ये तो सही है अभ्रक का। ये किसके अनुसार है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार है, 2021 में भारत में अभ्रक का अगर सर्वाधिक उत्पादन होता है तो राजस्थान में होता है, और इसके पश्चात आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक भंडार की बात हो रही है तो झारखंड एवं बिहार में है। पहले हम उत्पादन की बात कर लें कि राजस्थान हो गया, राजस्थान यहाँ पर लिख दिया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, आंध्र प्रदेश का आता है सर्वाधिक उत्पादन में हो रहा है अभ्रक के, और उसके बाद भंडारण की दृष्टि से बात होगी तो आंध्र प्रदेश है पहले पे, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान का नाम आता है, राजस्थान का नाम आता है, फिर इसके बाद ओडिशा का नाम आता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब देखिए फैक्ट है और पूछते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, यहाँ केवल फर्स्ट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मेघालय शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, मेघालय की बात कर रहे हैं, तो शहतूत रेशम की बात करते हैं जिसे मलबरी रेशम बोलते हैं, लेकिन ये मेघालय नहीं है, मेघालय तो उधर हो जाता है, मेघालय ये मलबरी बोल दे रहा हूँ मैं, मलबरी ये कर्नाटक क्षेत्र है, ये कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही हो जाता है टसर रेशम, और भारत में असम ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही हो जाता है। असम जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सहित जो है ईरी रेशम का तथा मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ईरी और मूंगा असम। भारत में कर्नाटक मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत हो जाता है, असम है इसमें, तो देखेंगे आप दूसरा और तीसरा सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असम रीजन का क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन, प्रवजन मतलब यह प्रवसन होता है तभी माइग्रेशन बोल सकते हैं, सर्वाधिक है। ग्रामीण से शहरी सर्वाधिक है तो ये गलत हो जाता है। ये सर्वाधिक जान रहे हैं कि जो खासकर आप देखते हैं महिलाओं का शादी हो जाता है एक गांव से दूसरे गांव में, और कई रीजन है कि ग्रामीण ग्रामीण जो है माइग्रेशन ज्यादा है, ग्रामीण से शहरी की तरफ कंपेरिजनली कम है, कंपेरेटिवली देखा जाए ग्रामीण से ग्रामीण प्रयोजन मुख्यतः महिला प्रयोजन है, ये तो सही है, एकदम सही है, शादियां जो हो जाती हैं तो ये रीजन सही है और गलत हो जाता है, सॉरी एसेशन गलत हो जाता है, रीजन सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 का विजेता किस विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है इसको घोषित किया गया है, अमृतसर में है, अमृतसर में है ये, पंजाब खेल मंत्रालय की ओर से 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ इसकी घोषणा हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया है भाग 15, किससे सुमेलित करें? निर्वाचन से कर देते हैं, निर्वाचन से कर नहीं देते हैं, यही है ही। अब आपका यहीं से आंसर निकल जाता है। फिर आप देखिए भाग 16 की बात कर लेते हैं तो आप कुछ वर्गों के संबंध की बात करते हैं, भाग 17 की बात कर लेते हैं तो अब आप यहीं राजभाषा से कर लीजिएगा, 18 की बात करते हैं आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? दूध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, और इसके बाद जो है राजस्थान का नाम आता है, फिर मध्य प्रदेश, क्रम लगाने का आ जाता है, तो यूपी फर्स्ट पे हो जाएगा, फिर राजस्थान आ जाता है, फिर जो है आपका एमपी हो जाएगा, फिर जो है गुजरात हो जाएगा, और फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो ये क्रम लगाने का आ जाता है, इसलिए लिख दिए। कौन सा कथन सही है? मीठी वृद्धि परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में प्रस्तावित था, और कोवड्डा परमाणु शक्ति केंद्र तेलंगाना राज्य में प्रस्तावित है, ग्वाल पहाड़ी और सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित है, चमेरा जलीय विद्युत परियोजना जो है ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल राज्य में स्थापित है, तो कौन सा सही है इसमें क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें देखेंगे यार, चमेरा वाला जरूर याद करिएगा क्योंकि याद रखिएगा क्योंकि ये अभी उसमें सुमेलित करने के लिए आ सकता है, तो हिमाचल प्रदेश यही सुमेलित है, और मीठी वृद्धि परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये भी सही है गुजरात में।
ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश में जो है, ये तेलंगाना जो दिया गया है ना, यहाँ आप कोवड्डा परमाणु शक्ति की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का लीजिएगा बस। और ग्वाल पहाड़ी वाला जो ये है, गुजरात को छोड़ के आप ये हरियाणा का लीजिएगा, हरियाणा अब सही हो जाएगा, हरियाणा में भी गुरुग्राम स्पेशली कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही है, ये देखिए सही है। एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दिया कीजिए, कहाँ से कि क्वेश्चन सीधे बनते हैं, और ज़्यादा एक्सप्लेन आज कर रहा हूँ तो हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सातवीं अनुसूची है, किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों से है, सात जो संघ राज्य और समवर्ती सूची है। और आठवीं अनुसूची आपका भाषाएं हो जाती है, नौवीं अनुसूची की बात होगी तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। फिर दसवीं दल बदल कर लीजिएगा जहां भी होगा आपका, देख लीजिए सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। फिर अभी तक 39 क्वेश्चन ही हो पाया, खैर हम वीडियो को फास्ट कर देंगे, ठीक है अभी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आसान आसान है, बट क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बना दिया है ये लोग। जनगणना 2011 के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो सही हो जाता है। बिहार जो है भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के दोगुने से अधिक है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि सिक्किम देश का सबसे विरल बसा राज्य है, तो ये ऐसा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है। सब बात, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है, अरुणाचल प्रदेश लिख दिया। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 829 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 है ही, बिहार का सर्वाधिक है ये आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश किस शहर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली सोलर सिटी सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? भाई अयोध्या विकसित किया जाएगा, अयोध्या को पहले सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या को सौर शहर बनाने का जिम्मा जिसको मिला है वो एनटीपीसी को सौंपा गया है। 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी ये। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क की स्थापना भी की जाएगी, और मध्य प्रदेश के सांची को देश का पहला सौर शहर घोषित किया गया है, ये आपको पता होगा। निम्नलिखित में से भारत, अयोध्या यहाँ ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा वो है, सड़कें हाईवे है वहां पर सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी आता है, यूपी सेकंड नंबर पे है, राजस्थान जो है थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की बात करते हैं तो वाराणसी से सुमेलित कर लीजिएगा, सही है ये। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं तो पेमूर से करिएगा, चेन्नई से, चेन्नई से करिएगा, ये पेमूर है। रेल व्हील फैक्ट्री की जब बात करते हैं तो बंगलुरु है, बंगलुरु से करिए। और रेल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं तो कपूरथला, कपूरथला से करिएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा सुमेलित है, ये लखनऊ वाला कपूरथला नहीं है, ये मैं सोचिए कपूरथला वही है। भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि की गई थी मेघालय में है 27.9%, अरुणाचल प्रदेश जो दिया है यहाँ पर 26% है, बिहार में 25.4% है, और मणिपुर जो दिया गया है मणिपुर यहाँ नहीं है 24.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास असेसन रिजल्ट का क्वेश्चन है कि एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में ऋणात्मक संबंध है, तो ये तो गलत हो जाता है। और एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, तो ये सही है। जो आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं 2018-19 के अनुसार, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत जो आयाम है शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, या भारतीय राज्यों की एसडीआई और एसडीजी रैंकिंग के मध्य धनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है, तो ये दोनों ये देखा जाएगा। और ऋणात्मक की जगह धनात्मक करते तो सही हो जाता है, ये गलत हो जाता है, पॉजिटिवली देखा जाएगा ये सब, शिक्षा और स्वास्थ्य। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को मिला है, ये तो लगभग सभी को पता होगा, चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी इसराइली फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, अभी तक देखिए जो चार सेट किया उसी का रिपीटेड क्वेश्चन कही जा रहे हैं। मोई पोरिया समिति की बात हो रही है तो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, मोई पोरिया समिति, सॉरी मोई कह रहे हैं, गोई पोरिया समिति है। नानजुन दप्पा समिति की बात होगी तो रेलवे किराया से संबंधित है। रंगराजन समिति ये बहुत फेमस है, भुगतान संतुलन के लिए है। रेखी समिति की बात होगी तो अप्रत्यक्ष कर के लिए है, तो सुमेलित कर लीजिए आप यहाँ पर, आप यहीं पर देखें जो आपको, अब ये क्वेश्चन करना देखिए यहाँ पर जब आप कूट भाषा में देखेंगे तो आपको रंगराजन समिति पता है कि भुगतान संतुलन से संबंधित है, आप इसी से मात्र निकाल सकते थे, और चीजों के लिए नया था लेकिन इसके लिए नया नहीं होगा। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में है कौन सा कथन सही है?
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग सख संबंध पर आधारित है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो ये गलत हो जाता है। ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2016 से 20 के जीवन प्रत्याशा वर्ष में पुरुष जो है 68.6% और महिला जो है 71.4%, ये जीवन प्रत्याशा है, महिला ज्यादा जीती है, उनके उन्हें बहुत कुछ देखना होता है जीवन में, इसलिए महिलाएं ज्यादा जीती हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ है। वहां के आवासन और शहरी कार्य मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये नेट जीरो इमिशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित सुमेलित सही सुमेलित है। तो जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 10 अगस्त 2000 को प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करते हैं तो ये अप्रैल में हुआ था, 2005 में, अप्रैल में 2005 में प्रारंभ हुआ था। आम आदमी जो है बीमा योजना की बात होगी ये, तो इसका 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर ये 2007 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में, नरेगा की बात होती है, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट से संबंधित है। 23-24 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्रत्यक्ष करों का अंश अनुमानित है तो 6% है। अब ये सब फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिए हमेशा। प्रत्यक्ष कर का तो 6% हो गया, अप्रत्यक्ष कर का जो था 5.4% है, और सकल कर की बात करते हैं, ग्रॉस की बात करेंगे हम टैक्स, तो ये 11.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं 24 की बात करते हैं तो कारखाना आदि से बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, प्रतिषेध है। 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। 29 जो है 29 दिया है तो ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात नहीं है, ये आपका आर्टिकल 30 है। और 29 में जो दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, हितों के संरक्षण की बात कर रहा है, हितों के संरक्षण की बात कर रहा है, किसके? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बस। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो समवर्ती जो है सूची में है, 7वीं अनुसूची है ये, समवर्ती सूची उसी में है। ये प्रविष्ट संख्या जो है 20 है। तो ये अब देखिए डेप्थ में जब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। टोडा की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु से सुमेलित करिएगा। लेपचा जो अभी बार बार सुन रहे थे सिक्किम का, और बिरहोर की बात करते हैं तो झारखंड से सुमेलित करिए। गारो तो मेघालय से सुमेलित कर लीजिए। ये आप देखिए गारो खासी जयंती वाला तो आप जान ही रहेंगे, मेघालय का तो यहीं से आप करते हैं तो आपको मिल जाता। क्वेश्चन को सॉल्व करना है चाहे जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड करिए या फिर पुट कर दिया कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए। क्या आपको देखिए गारो मिल गया यहीं से, यहीं आप देख लीजिए पुट करिए, इसमें आ जाएगा, कंक्लूजन पे तुरंत पहुंच जाएंगे। ये तभी करिए जब आपको थोड़ा सा डाउट हो, वरना क्लियरिटी रहे तो एकदम से कर दीजिए सही। एशियाई खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन के संदर्भ में बात करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला टीम की बात हो रही है, चूंकि ये पाकिस्तान को नहीं हराया था, श्रीलंका को हराया था। और उसके बाद एशियाई खेलों में क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का यह पहला पदक है, तो ये सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट 19वां था। 19वां सबसे पहले याद रखिए कि 19 नंबर का है, 19 नंबर का था। एशियाई खेल 2022 में हुआ है और कब हुआ है? 25 सितंबर को 2023 में आयोजित हुआ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। गोल्ड मैच में फाइनल में जो है श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है ये। इस जीत के साथ ही एशियाई खेलों के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला पदक जीता है, और भारतीय महिला एवं पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग भी लिया है। एशियाई खेल के वर्ष 2010 और 2014 के संस्करण में क्रिकेट खेला गया था, परंतु भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के विरुद्ध फाइनल मैच वर्षा के कारण रद्द होने पर सीडिंग के आधार पर स्वर्ण पदक जीता है। और 19वीं एशियाई खेल 2022 चीन के हांगझाओ में और सितंबर अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ था। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पढ़ दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं इंपॉर्टेंट।
निम्नलिखित ऐसा सा रीजन का क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन आयात को बढ़ावा दे सकता है, तो ये गलत हो जाता है, आयातों में कमी हो जाता है अगर अवमूल्यन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पहले नंबर कमी हो जाएगी, ये बढ़ावा नहीं होगा, बल्कि निर्यात को जो है बढ़ावा दे देगा, ये निर्यात को बढ़ावा दे देगा अवमूल्यन होने पर, क्योंकि अवमूल्यन के कारण क्या होता है, देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष मूल्य गिर जाता है। अवमूल्यन मतलब अपनी मुद्रा को गिरा देना, वैल्यू गिरा देना, तो वही है अवमूल्यन। उसके बाद इसी में ही रीजन क्या दे रहे हैं ये लोग, अवमूल्यन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है, तो ये तो सही है, ठीक है, तो दूसरा सही हो जाता है। तो यहाँ पर ए गलत है आर सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो मौद्रिक नीति समिति करेगी, और कौन करेगा, और भारतीय रिजर्व बैंक जो है द्वारा मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री का करते हैं, नीति आयोग का, ये नीति आयोग से संबंधित जो भी है तो पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 के नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है, इनको बोलते हैं बिहाना दीदी, सीड लेडी के नाम से प्रख्यात है ये, भारतीय किसी वैज्ञानिक है डॉक्टर स्वाति नायक। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि यह पुरस्कार उन्हें मिला है किसी क्षेत्र में, विशेष रूप से ओडिशा में सूखा सहिष्णु चावल की किस्मों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु मिला है। अदिति मुखर्जी जो है 2012 में और महालिंगम गोविंद राय 2022 के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले ये तीसरे भारतीय हैं, तीसरी भारतीय हैं, और कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के नाम से यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कौन देता है, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संबंध में है, मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर को पूरे भारत में स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, मिलियन प्लस श्रेणी में आगरा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो दोनों यहाँ पर सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों सही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा जो हुई थी 7 सितंबर 2023 को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, इसमें 10 लाख से अधिक की आबादी में इंदौर को मिला था और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है तो ये आपका पुणे है, नागपुर यहाँ दिया है, पुणे कर लीजिएगा, महाराष्ट्र। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिसका पहले नाम था राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, तो ये जो है आपका सिकंदराबाद में है, और सिकंदराबाद कहाँ पर, तेलंगाना, सिकंदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना में है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस जो है ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर मतलब ओडिशा में, ओडिशा में। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो मोतियाबिंद कहा जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है उस समय, ग्लूकोमा रोग नेत्र की दिक् तंत्रिका को क्षति पहुंचने से होता है, ये जो ग्लूकोमा का नाम है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतिया पर बिंदी हो जाना, मोतियाबिंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन से हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन है सबसे पहले तो यही आएगा, उसके बाद पूंजी निर्माण, तकनीकी उन्नति की बात करता है, उद्यमशीलता आएगा, मानव संसाधन विकास आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाते हैं, सामाजिक लागतें हैं, यही सब है। और इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, जैसे राजनीतिक कारण हो जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा भौतिक सुधार, यही सब है, भौतिक सुधार की इच्छा, ये सब कारण है आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो देखा जाए सभी है। निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, जनसंख्या परिवर्तन की बात हो रही है तो शिक्षा जो है नहीं है, बाकी जन्म प्रवास मृत्यु ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब ये सब कॉन्सेप्ट है, मतलब आपका जो पहले से पता होना चाहिए, ये सब आप थोड़ा दिमाग लगाइए हो जाएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलने वाला है, चल के मिलेगा लेकिन ये सब ऐसे ध्यान में रखा जाता है, कॉमन चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया, तो ये सही है, पोलियो एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जो बात करें तो विषाणु जनित रोग है, ये वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस तिथि को 2000 रुपये को जो है बैंक नोटों के संचालन से वापस लेने की घोषणा की गई? तो 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के जितने नोट थे वापस लेने की चालू हुआ। अब बैंक शाखाओं में 30 सितंबर 2023 तक था कि या तब तक जमा कर लें, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया था 7 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया था। इसके बाद जो है आरबीआई ने क्या किया कि 19 निर्गम कार्यालयों में ही जमा किया और बदला जा सकता था, बाद में इन्होंने यही क्या किया। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ये यमोत्तर रेखा आपको पता है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर देशांतर से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है इसमें, उत्तर प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश यहाँ नहीं लिखा है, मध्य प्रदेश लिखते रहो, मध्य प्रदेश से आते हैं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा का नाम नहीं लिखा गया, उड़ीसा का नाम लिख दिया जाऊँ यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये भी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इंडिया का मैप यही है तो यहीं सही से गुजरती है, बस इतना समझ लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 25 फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है, तो 25 फसलों हेतु नहीं, 22 फसल है, 22 फसल है, या किसानों के पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, तो सही है। गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये जो होता है गन्ने के लिए FRP होता है, MSP नहीं होता है, FRP होता है। 24 फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य है और गन्ने हेतु जो बात होगी ये गन्ने हेतु उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करता है, इसकी मंजूरी जो FRP की होती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस या किन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम जो है अधिनियम नहीं सम्मिलित किया गया है, समान पारिश्रमिक ये सब शामिल किए गए हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करते हैं, ये 1948 के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया, उसके बाद न्यूनतम भुगतान मजदूरी की बात जब करते हैं 1936 में आया, वहीं संविदा श्रम की बात नहीं करते, बोनस की बात करते हैं, भुगतान आया था तो ये आपका 1965 में, और वहीं समान पारिश्रमिक अधिनियम की बात करते हैं तो 1976 में, तो केवल यहाँ पर था। पहाड़िया दिया है, राज्य दिया है, गारो आपका सुमेरित है मेघालय से, मिरी जो दिया है अरुणाचल प्रदेश से सुमेरित कर लीजिएगा, कोल्लर मलाई की बात करते हैं तो तमिलनाडु से कर लीजिएगा सुमेरित, तमिलनाडु से, डालमा की पहाड़ी जो है झारखंड से सुमेरित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप ये कर लीजिएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल का कम से कम 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वैसे तो 3 शर्तें हैं लेकिन उसमें से एक शर्त ये भी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकेंड भी है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा है? चांदी है, ये अभी हम पहले क्वेश्चन इससे पहले बात किए थे, पहले वाले टेस्ट सीरीज में, इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की जब बात होगी तो एल्युमिनियम, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बनाई जाने वाली धातु आपको पता है स्वर्ण को करते हैं, और स्वर्ण से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। उष्मा का न्यूनतम संचालक जो है शीशा है, इसीलिए शीशा क्रैक हो जाता है हीट से, तो ऑप्शन डी सही है। भौतिकी में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो पियरे आगनस्टीन का, फेरेंक को और एन को, इनको याद रखिएगा, पियरे फेरेंक और एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में होता है? तो टेफ्लान का उपयोग होता है, टेफ्लान का नाम आप सुनने भी होंगे, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन बोलते हैं इसे, एक संश्लेषित फ्लोरो कार्बन है, इसका साधारण नाम है टेफ्लान। अगर पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का नाम आएगा तो भी सही कर लीजिएगा। अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 16 हो गई है। ईरकान को और राइट्स को मिला था, आपको पता ही होगा, ईरकान बार बार हम लोग करंट में भी किए थे, ये 15वां है, 15वां, और 16वां जो था राइट्स लिमिटेड है, ये 16वां था, तो ये दो बढ़ गए थे, नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली सही सुमेलित है, और उसके बाद बात करते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपको पता है कि 1803 से 1805 वेलेजली संबंधित है, वेलेजली लॉर्ड विलेजली हुआ है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र दिया है, संपादक दिया है, काल की बात कर रहे हैं तो शिवराम का नाम आएगा, महादेव परम जपे,
बंगाली की बात जब करते हैं तो सुरेंद्र बनर्जी से संबंधित है, सुधारक की जब बातें होंगी तो गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ, विद्याभूषण, तो आप सुमेलित कर लीजिए यहीं से। सुधारक हो सकता है, सुधारक का आप हमेशा सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले से आप यहीं से निकाल सकते थे। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के थावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में, महात्मा गांधी उस समय जेल में बंद कर दिए गए थे जब धरसना नमक गोदाम पर जो है नामक लिखा है, नमक लिखा है, नमक, तो यरवदा जेल में वो बंद थे उस समय। 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा 2 दिसंबर को। अब थीम क्या था इसका, मैं ये लिख दे रहा हूँ, थीम लिटरेसी फॉर, बोलता जा रहा हूँ तो आप सुनते जाइएगा, ह्यूमन सेटल्ड सेटल्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ये तो हो गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का है, और प्रदूषण वाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ए क्लीन एंड हेल्दी प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो यहाँ पर देखिए ह्यूग टोयो द स्प्रिंग टाइगर पुस्तक है ये, या पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृतांत पर है। फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान में आम चुनाव में उम्मीदवार बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है सवीरा प्रकाश। तो चलिए हम लोग यहीं तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।